सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, ए वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव डन योर प्रीवियस वर्क एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5. नाउ स्टूडेंट, टुडे लेट वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. यस स्टूडेंट, इन द सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट दे गिव यू, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/7 एंड -4/21 फ्रॉम 1/14. देखो, स्टेटमेंट समझनी है और फिर क्या है, इजीली हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं. वैल्यू क्या दी है स्टूडेंट हमें, 2/7. सम ऑफ दिस 2/7 एंड के पहले इस पे सम प्लस का सिंबल लग जाएगा, और वैल्यू दी है 4/21 फ्रॉम 1/14. हमें सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 1/14 में से. स्टेटमेंट बन गई है. अब यहाँ पे देखो, हमारे टू सिंबल हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, -1/14, 2/7 एंड प्लस माइनस चेंज इन -4/21. देन वी टेक द एलसीएम. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, वैल्यू इज 14/7/21. देर विल बी 7 जा टेबल, 7 2 जा 7 1 जा 7 3 जा, 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा 42. 42 इज आवर एलसीएम. नाउ वी चेक हियर 1 एज न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर देर विल बी 14. इन द 14 टेबल 42 देर विल बी थर्ड पैलेस कम, -2, 7 टेबल 6 जा एंड 4 21 2 जा. सो वैल्यू कितनी आ गई है, 3, -6 2 जा 12, 4 2 जा 8, -42, सॉरी अपॉन में 42. वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 एंड -8 इज -20. अब 20 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को, तो वैल्यू कितनी आ गई, -17/42, एंड दिस इज विल बी आवर आंसर. सॉरी, देखो यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, क्योंकि इस कंप्लीट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट भी रहेगा. तो ब्रैकेट में से 12 में से 8 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 4. 20 की जगह आएगा 4, मीन्स 2 से यहाँ वैल्यू है 3 - 4. आंसर आएगा -1/42. इन द सेकेंड सम, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, कि हमें क्या ऐड करना है किस में, -5/11 में. 5/11 में हम क्या ऐड करें कि हमें क्या गेट हो, 26/33. तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसको हम इक्वल से उधर उठा के ले जाएंगे. इधर ये नेगेटिव फॉर्म में है, व्हेन वी टेक दैट साइड दैट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, और सॉरी 5 है. यहाँ से आपको ये सम सॉल्व करना है. इन एट्थ सम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मीन्स टू से -2/3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, कि हमें क्या गेट हो जाए, 5/6 गेट हो जाए. तो हम इसको कैसे करेंगे, x को उधर ले जाते हैं अब हम, क्योंकि माइनस में है, और 5/6 को इधर ले आएंगे. ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इक्वल से इधर आगे नेगेटिव में हो जाएगा 5/6 और x उधर. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, -2/3 -5/6 को, इसको आपको सॉल्व करना है. नाइन्थ, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5. टू रैशनल नंबर का सम क्या है, -5 है. वन नंबर ये दे रखा है, अदर फाइंड करना है. इसकी स्टेटमेंट आपको कैसे लगानी है, आपको लिखना है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इक्वल आ जाएगा इसके पहले इस पे -5. वन ऑफ द नंबर इसके पहले इस पे इक्वल दिस अदर नंबर. जब हम अदर नंबर फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, अदर नंबर हो जाएगा जो सम था ना, सम था -5 और वन नंबर कितना था, 3/16. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देन वैल्यू क्या दी है, -5 वन हमारे सम ऑफ द नंबर है और वन नंबर है -13/6. तो हम क्या करेंगे, हमें माइनस करना है किस में से, सम ऑफ द नंबर में से वन नंबर को. सम ऑफ द वन नंबर था -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13/6. एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम, 6 5 जा 30, 30 में से 13 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17/6 आ जाएगी. ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव में है, तो आंसर नेगेटिव में हो जाएगा.
नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर. तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही स्टेटमेंट लगाएंगे, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू दिस, वन नंबर इज इक्वल टू दिस. अदर नंबर जब हमें फाइंड करना होगा तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टू नंबर थे उसका सम, इसमें उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 3/16, इसको सॉल्व कर देना. द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज, टू रैशनल नंबर का सम ये दे रखा है, वन नंबर ये दे रखा, अदर नंबर फाइंड करेंगे तो 3/2 में से माइनस कर देना है, -3/10 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वैल्यू बनेगी 3/2 प्लस में 3/10, और इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर देना. नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मीन्स टू से इस कम्प्लीट में हम क्या ऐड करें कि हमें वेन वन गेट हो. तो इसके लिए स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, वैल्यू क्या दी है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस में 1/5, कि इसमें हम क्या गेट करें, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें नंबर वन गेट हो, ये वैल्यू आ जाएगी. इस कम्प्लीट वैल्यू को उठा के हम क्या करते हैं, इक्वल से उधर ले जाते हैं. जब इक्वल से उधर लेके जाएंगे, वन माइनस ये सारी की सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल से उधर जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएंगी, -1/3, -1/4 एंड -1/5. ये 1/1 है. जब हम इनका एलसीएम लेंगे, किसका, 3 का, 4 का और 5 का, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3, 4 जा 12, 5 जा 60. 60 इज एज एलसीएम, तो 1 की टेबल में 60 पे ही आएगा, 3 की टेबल में ऊपर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे हम, 3 की टेबल में आएगा 20 पे, 4 की टेबल में 15 पे और 5 की टेबल में 12 जा पे. तो 60 में से हमें माइनस करना है क्या, कंप्लीट नंबर 60 है, अपॉन में भी हमारा क्या है 60 है, 20 और 15 कितना हो गया हमारा 35, 35 और 12 कितना हो गया हमारा 47. इसमें से हम 47 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इनको इजीली तीनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वैल्यू क्या आई है हमारी, 10 में से 7 आउट हुए 3 और 5 में से 4 13, 13/60, एंड दिस इज आवर आंसर. सो स्टूडेंट, योर टूडेज वर्क इज क्वेश्चन नंबर 6-2, क्वेश्चन नंबर 12. यू विल डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे.